नमस्कार, मैं काजल चौधरी आईएमटी मीडिया में आपका स्वागत करती हूं। इंटरनेट ने तो हमारी ज़िंदगी बदल कर ही रख दी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हमारे सामने एक नई जिंदगी और ज़िंदगी खोल कर रख दी है। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे लोग एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पाते हैं और बातचीत कर पाते हैं और अपने विचार को भी सबके सामने रख पाते हैं। शिकागो 2012 के अध्ययन में ऐसा देखा गया था कि जिस प्रकार लोग के लिए नींद और खाना ज़रूरी है, उसी प्रकार लोगों के लिए सोशल मीडिया और इंटरनेट भी जरूरी हो गया है। सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी इतना बढ़ता जा रहा है कि लोग एक दूसरे से बिछड़ते जा रहे हैं और परिवार टूटते जा रहे हैं। तो इस चर्चा पे हमारे साथ मौजूद हैं धीरज कुमार, अशावरी कोमल और अनुष्का सिन्हा जी। तो मैं सबसे पहले धीरज से ये पूछना चाहूँगी कि सुहाना सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर हम अखबारों में जाएंगे तो कल वो खबर मुझे कल मिलेगी, और ये एक ऐसा माध्यम है जो सबसे ज़्यादा फास्ट सर्विस देती है। और साथ ही अगर कोई हमारे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे फैमिली से हो, अगर उनसे हम कई सालों से चाहे महीनों से नहीं मिले हुए हैं, तो ये सोशल मीडिया हमें एक नज़दीकी रिश्ता देती है। तो सोशल मीडिया के गुण के साथ साथ कुछ अवगुण भी है, लेकिन हम अगर गुण उससे कुछ गुण है उसमें कुछ गुण है तो हम उसके अवगुण के बारे में बात नहीं करेंगे, बस हमारी यही बात है। तो अशाबरी, आप क्या कहना चाहेंगी सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव के बारे में? सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव इस प्रकार है, लोग अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं, ना वो अपने परिवार के साथ बैठते हैं, ना वो घुल मिल पाते हैं। यहाँ पे ये तक हो गया है कि लोग पहले बुक्स प्रेफर करते थे, अब वो सीधे मोबाइल पे जो भी उन्हें न्यूज़ देखना होता है, कुछ भी देखना होता है, वो सीधे मोबाइल पे जाते हैं। पहले लोग अपने परिवार के साथ घुल मिल के एक साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड करते थे, बस अब वो बात नहीं रह चुका है। तो मैं अनुष्का से ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे सोशल मीडिया पे इतने जुड़ गए हैं कि वो ना तो अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं और ना ही बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है इस तरह की खबरें आगे भी आते रहेंगे। सोशल मीडिया आज के जीवन में इतना महत्वपूर्ण हो चुका है, क्योंकि जिसके बिना रहना अब बहुत मुश्किल है। जो बच्चे बाहर खेलते थे, वो अब इतने मोबाइल पर व्यस्त रहने लगे हैं कि उन्हें दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है। सोशल मीडिया उसके फ्रेंड्स हो गए हैं। सोशल मीडिया ने हमें दूर रहते हुए भी लोगों के पास कर दिया है। सोशल मीडिया से बेनिफिट्स तो है ही, बट उसके डीमेरिट्स भी बहुत है कि ये हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा हिस्सा बन गया है। कुल मिलाकर यह पता चलता है कि कोई भी चीज़ को दायरे में रहकर उपयोग करना चाहिए। दायरे के बाहर होता है तो वह सकारात्मक के बजाय नकारात्मक प्रभाव डालता है।